आज हम जन्मदिन बाब और बाहौल्ला ईश्वरीय अवतार कलगी अवतार के रूप में और जो बहाई फेथ है इसके प्रवर्तक हैं जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। महानता, ईरान जब बिल्कुल गर्त में था मोहम्मद साहब के बाद, जब इस्लाम आया, इस्लाम के बाद जब बिल्कुल और जब इस्लाम पीक पे पहुंचा उसके बाद एक डिक्लाइन शुरू हुआ, तो कहते हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। उसी प्रकार जीसस क्राइस्ट ने बोला कि ओ लॉर्ड ऑफ सन आई विल कम बैक टू हेल्प यू ऑल। उसी प्रकार मोहम्मद साहब ने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, आई एम नॉट द लास्ट बुद्धा, द नेक्स्ट बुद्धा विल कम। उन्होंने ईरान में उनका जन्मदिन जन्म हुआ था तो उन्होंने काफ़ी आगे तक ले गए। बाहुल्ला ने जो संदेश दिया था, आजकल जो लोग हैं छोटी छोटी कम्युनिटी में बटे हुए हैं, जबकि हम बात करते हैं पूरे विश्व कम्युनिटी की, पूरे विश्व लोग जो है शिक्षित बने। अगर भाई फेद के जो उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो नियम इस तरह से बनाए कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, अगर उन नियमों पर हम लोग बच्चों को पढ़ाएं तो तीन चार प्रकार की शिक्षाएं हमारे पास है। वो शिक्षा क्या है कि हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा नहीं प्राप्त करते, एजुकेशन जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि बीटेक हो गए, एमबीए हो गए, एमबीए हो गए, ये एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त हो तो वो व्यक्ति है क्रूअल नहीं बन सकता है। और भाई फेद के अनुसार जो शिक्षा है उसके लिए कहा है कि शिक्षा को बैलेंस किया जाना चाहिए। 10-12 लाख की आबादी है जो भाई लोग हैं, बाहुल्ला को मानते हैं, बाहुल्ला के रास्ते पर चलते हैं, 10-12 लाख हैं। बाहुल्ला का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर की महिमा या ईश्वर का प्रकाश। बाहुल्ला जो पहले, इनका नाम तो हुसैन अली, ये दिया हुआ नाम है। ये बाहुल्ला से जो पहले अवतार आए हैं वो बाप थे, उन्होंने जो कहा था कि ईश्वर जिसे प्रकट करेगा वो इस नाम से जाना जाएगा, तो ये नाम जो है बाप के द्वारा दिया गया है बाहुल्ला। बाहुल्ला का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की महिमा।